इस मैदान को हम मैदान नहीं कहेंगे, हम तो ऐसा कहेंगे कि ये शिवजी का मेला ही लग गया है। महाशिवरात्रि के महापर्व पर हर साल 1008 दंपत्ति आते हैं, तो हम उसे शिव पार्वती ही 1008 स्वरूप धारण करके आते हैं, ऐसी हमारी भावना है। ठीक है गुरुजी, हम देख रहे हैं अभी भी एक सेक्टर खत्म हुआ, भारी भीड़ दिख रही है, भक्तों की लाइन लगी हुई है। ठीक है, शिवजी है, शिवजी के लिए सब आते ही है, और इतनी अच्छी मात्रा में समिति के लोग सहयोग करके पूजन करते हैं, उस पूजा का परिणाम है सब लोग भक्त का आनंद लेते हैं। हरे हरे, हरे हरे,
इस महाशिवरात्रि के महापर्व पर चारों प्रहरों में पूजा होती है। ब्राह्म्य मुहूर्त से ही आरंभ होती है, प्रदोष पूजा भी होती है, याम पूजा तुरीय संध्या के समय की रात्रि की भी निश्चित काल की पूजा होती है। इस पूजा में सब लोग एक सामूहिक स्वरूप में जो पूजन करते हैं, इसी के वजह से ये पूजा का विशेष फल रूप माना हुआ है। गुरु पूजा कब तक चलेगा? ये शाम तक पूजा चलता रहेगा, प्रदोष पूजा भी होगी, निश्चित पूजा यानी रात्रि की पूजा भी यहाँ पे ही होगी। कितने लोगों ने हिस्सा लिया इसमें? कुल हम लोगों का संकल्प माध्यम जो है 1008 दंपत्ति होती है, मगर भक्त इतने बड़े हो गए हैं बाबा के, भगवान शिव जी के, कि हर एक को पूजा में बैठना है, तो करीबन 10,000 से ज़्यादा संख्या पूजा में बैठने वालों की होती है। अष्ट प्रकृति का पार्थिव पूजा का महत्व यह है कि पार्थिव यानी माटी से बने हुए शिवलिंग का पूजन जब होता है, तो इस पूजन में भगवान शिव का स्वयं आत्मस्वरूप विराजमान होना अपने आप में माना जाता है, और इसी में अष्ट प्रकृति का पूजन होता है। उस अष्ट प्रकृति के स्वरूप में ही ये 8 शिवलिंग पूजन में रखे जाते हैं। बारह ज्योतिर्लिंग का भी स्वरूप आप बोल सकते हैं, अष्ट प्रकृति का स्वरूप भी आप बोल सकते हैं, कि विशेष रूप से यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग और अष्ट प्रकृति ये भाव से वो रखे हुए हैं। अमंगल रूप धारण करने वाले भगवान शिव भक्तों का मंगल करते हैं। भगवान को केवल भावना चाहिए। सभी भक्तों ने देव देश और धर्म के हिसाब से भक्ति के लिए भावना से भगवान से जुड़ लेना चाहिए। नहीं, यहाँ केवल पूजा होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे चला भैया, खराब लेट हो रहा है। जी 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 सर, कुछ कहेंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम के बारे में? 108 सॉरी। ये शिव पार्थिवेश्वर पूजा समिति विगत 20 वर्षों से ये कार्य करती चली आई है यहाँ कुरार विलेज में, और हमारा एक स्लोगन है देव देश और धर्म के लिए, ये हमारा कार्य है, और हर एक समाज के तबके के हर एक लोगों का यहाँ पे एक सामूहिक पूजन होना चाहिए, यही हमारा एक शिव पार्थिवेश्वर पूजा समिति का एक उद्देश्य है। ये पूजा भोर में जो है 2 बैच में होती है, सुबह 5 से 7 और 7 से 9, और शाम को 2 बैच में होती है, 5 से 7 और 7 से 9, और करीब करीब जो है इसमें 2200-2300 लोग ऐसे पूजा करने के लिए बैठते हैं, और करीब करीब कुरार आए अन्य समाज जो हिंदू समाज है वो लगभग 10,000 की संख्या लोग यहाँ आके प्रसाद भी लेते हैं और इस पूजा को देखते हैं। तो ये हमारा माध्यम है पूजा करने का और लोगों को देने का। एक साथ बैठते हैं, एक साथ करते हैं? हाँ जी, ये सामूहिक पूजा होती है। हम उनको पहले पूजा बुक करा देते हैं और वो बैच देते हैं और उनको समय देते हैं और उसी हिसाब से वो आते हैं। कब से कर रहे हैं ये? ये लगभग 2003 से हमारा ये पूजा चालू है जो है। कैसे कल्पना आई कि इस तरह से करना चाहिए था? कल्पना मतलब जैसे मंदिरों में लोग जाते हैं, भीड़ भाड़ होता है, मतलब मंत्रोच्चारण भी बरोबर नहीं हो पाता है, अभिषेक भी शिवरात्रि के दिन नहीं हो पाता है, तो हमने ये गुरुजी हमारे जो हैं, एक दिन ऐसे चर्चा हुई गुरुजी से, तो बोले कि हम एक सामूहिक आयोजन करते हैं, तब से ये कल्पना आई और हम लोग ने ये शुरुआत किया। आज सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं यहाँ पे आम जनता के लिए? बिल्कुल सर, आम जनता के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और हम वो पूरा करते हैं। कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को, दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे आप जी? कुछ कहेंगे दर्शकों से? दर्शकों को यही कहते हैं कि ये एक मात्र लगभग हम भारतवर्ष में हमारे ख्याल से ये पूजा यहाँ पे आयोजन होती है मलाड में, और मैं यही बोलूँगा कि ये पूजा देख के आप जो है अपने अपने जगह स्थान पे पूजा कराइए, ताकि जो है हर एक शिव भक्त उसका लाभ ले सके। हर महादेव, हर हर महादेव। ठीक है, और हाँ आनंद, कुछ बोल ले, कुर्सी ले लेते ना, कुर्सी ले लेते।
ऊपर जाओ ना मजा कुछ तुम्हें बोला गुरुजी ने ओ कर कर मंत्र करता हूं कर इंटेंट मंत्र है ना आज के कार्यक्रम के बारे में सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि पूरे भारत वर्ष में एक में पूजा यहाँ पे मलाड में होती है। आप कहीं पे भी ऐसी सामूहिक पूजा महाशिवरात्रि के दिन पूरे भारत वर्ष में कहीं पे भी नहीं होती है, और इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है हमारे वेद मूर्ति गोरक्षनाथ गुरु जी को। और अगर आप इनको आप सोशल मीडिया पर सर्च करोगे तो श्री श्री गुरु जी के नाम से ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। और हमारा एक भाग्य रहा है, सौभाग्य रहा है कि गुरुजी के आशीष हमें मिला है। और ये साल जब राम पर अयोध्या में जब प्रतिष्ठापना थी तभी गुरुजी यहाँ से वहाँ गए थे पूजा के लिए, तो ये बहुत ही हमारा सौभाग्य है कि हम उनके छत्र छाया में हैं। और बहुत लोगों को गुरुजी की वजह से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। यहाँ पे सुविधा आप देखोगे तो घर से लोग खाली आते हैं, यहाँ पे कुछ भी उनको लेके नहीं आना है, कुछ भी फूल लेके नहीं आना है। यहाँ पे जो भी उनको मिलता है शुद्ध पद्धति से मिलता है, उनको लिए प्लेट ग्लास है, शिवपिंडी है, पूरा का पूरा समिति यहाँ पे आपको दे देती है, फूल से लेके बेल पान से लेके सब कुछ सुविधा यहाँ पे आपको मिल जाती है। पैसों के लिए फ्री है, चार्ज है कुछ इसका कुछ? इसके एक कोई फ्री का कभी कभी कुछ बोल नहीं होता, तो एक ना फ्री भी है ना ज़्यादा लेते भी है, लेकिन एक नॉर्मल एक कि लोग ज़्यादा सीरियसली लें इसलिए छोटा सा शुल्क हमने रखा है। ये हर मतलब कुछ आवेदन करना पड़ता है या हर आदमी कोई भी आए कोई भी आ सकता है? कोई भी आ सकता है और कहीं से भी आ सकता है, भारत वर्ष में से कहीं से भी आ सकता है। बहुत लोग ऐसे हैं जो काशी से आते हैं, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो विरार से आते हैं, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो पुणे से आते हैं, यहाँ पे रात को रुक के फिर पूजा संपन्न करके निकल जाते हैं। क्या कुछ कहेंगे दर्शकों से, क्या कुछ कहना चाहेंगे? दर्शकों यही बताना चाहूँगा कि महाशिवरात्रि जैसे अभी गुरुजी ने चालू किए हैं ऐसी और आपके माध्यम से लोगों के पास ये मैसेज जाए कि महाशिवरात्रि बड़ी उत्साह से और मनाई जाए। मैंने आपका कहीं और भी करना है जैसे यहाँ हो रहा है वैसे और भी जगह पे कुछ करना सोच पाएंगे? वो अभी आपको गुरुजी उसके बारे में आपको ज़्यादा ज़्यादा बता पाएंगे। हर हर महादेव। हर हर जी गुरुजी क्या कुछ कहेंगे? यहाँ पर गुरुजी के माध्यम से तथा शिव पार्थिवेश्वर पूजा समिति के माध्यम से विगत 20 वर्षों से शुद्ध वैदिक पद्धति से पूजा करवाई जाती है। यहाँ की विशेषता यह है कि शिव पार्थिव पिंडी जो बनती है वो प्रत्येक को अलग अलग दी जाती है, और जैसे शास्त्रों में वर्णन है उसी तरीके का बना के उसका पूजन यहाँ पर करवाया जाता है। ये जो मूर्ति बनती है किस धातु की है? मिट्टी की बनाई जाती है, मिट्टी और पानी मिला के वो जो पार्थिव मतलब मिट्टी। तो उसकी जो विशेषता है उसी पद्धति से उसमें कुछ भी मिलाया नहीं जाता है, केवल मिट्टी के द्वारा ही वो पिंडी बनाई जाती है, उसका पूजन किया जाता है। लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम और होना चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। शिव पार्थिवेश्वर पूजा समिति और वेदमूर्ति गोरक्षनाथ गुरु जी जो संस्थापक है समिति के और आप उपाध्यक्ष है अध्यक्ष है, ये सब लोग मिला के यह प्रयत्न करते रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचे, क्योंकि मुंबई जैसे शहरों में शुद्ध पद्धति से पूजा करने वाले लोग बहुत कम है, तो हमारा प्रयास है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा स्थानों पर इसका आयोजन किया जाए। तो महिलाएं भी सेवा कर रही हैं यहाँ पे देख रहा हूँ? बिल्कुल जी, महिलाएं तो और ज़्यादा जोर शोर से यहाँ पे उपस्थित होती है, पूजा में सहभाग लेती है। आखिर क्या कुछ कहेंगे दर्शकों से? सभी से विनती है कि हो सकता है तो अगले वर्ष भी आप यहाँ पे आके सम्मिलित हो सकते हैं, समिति से मिलके कैसे आयोजन होता है क्या होता है ये देख के आप पूजा में बैठ सकते हैं। हर हर महादेव। अमर जी ये सामूहिक स्वरूप से कार्यक्रम होते आ रहा है और ये विशेष रूप से लोगों की श्रद्धा भक्ति और भक्तों का कार्यक्रम बनना चाहिए था, ये हमारी आरंभ से इच्छा थी और अभी ये भक्तों का कार्यक्रम बना हुआ है। ये भगवान के भक्तों का बड़े अच्छे उत्साह के साथ सुबह 4 बजे से रात को 12 बजे तक सभी शिव भक्त यहाँ पे आते रहते हैं। जी जी, ये कल्पना कैसे आई कि इस तरह कार्यक्रम होना चाहिए ताकि लोग आए और एक साथ पूजा करें शिवलिंग की? मेरे पिताजी की ये इच्छा थी या उनका कहना था कि भगवान शिव जी की पूजा चारों प्रहर पे होनी चाहिए
और सामूहिक स्वरूप में होनी चाहिए। शास्त्रों में उसका वर्णन ऐसा है, इस प्रकार से है कि शिव जी का पूजा सबसे महत्वपूर्ण है, प्रदोष में उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, शिवरात्रि में उससे भी अधिक उसका उसी का महत्व है। अधिक अधिक महत्व जो है और ज़्यादा महत्व चारों प्रहरों का है, शिवरात्रि में चार प्रहर ये पूजा होने से। मगर इन सब का पूजन का फल यदि मिलता है तो चारों प्रहरों में सामूहिक स्वरूप से मट्टी के शिवलिंग का पूजन करने का। गुरु जी आ गए, हजारों लोग सामूहिक रुद्राभिषेक किए, उनके लिए क्या कहेंगे? सामूहिक रुद्राभिषेक जो है वही शिव जी का आत्मस्वरूप लिंग जो है पार्थिव लिंग पूजन, वो सामूहिक स्वरूप से करने से एक साथ जो ऊर्जा आती है वो सभी प्राणी मात्राओं के लिए जगत के कल्याण के लिए बहुत प्रभावशाली बनता है। गुरु जी अगर हम देखें तो हम ये भी कह सकते हैं आज भारत जो हमारे देश 12 ज्योतिर्लिंग है उनको भी एक स्थापित करने का काम किया जाए। अवश्य ये हम करते रहेंगे। अष्ट प्रकृति की यहाँ पे हम लोगों ने पूजा के स्वरूप में स्थापना की हुई है। हर पूजा में अष्ट प्रकृति भगवान शिव का पूजन किया जाता है। गुरु जी भक्तों को क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे आप अपने भक्तों को? सबका मंगल हो, सबका सुख समाधान हो और सभी को देश के प्रति धर्म के प्रति जो जागरूकता हुई है वो निरंतर अखंड रहे। गुरु जी इस तरह कार्यक्रम और भी होने चाहिए लगता है कि भारत देश में और भी किस तरह सामूहिक हो? इस प्रकार के कार्यक्रम घर घर में होने चाहिए, हर गांव में होने चाहिए और हर शहर में तो सामूहिक स्वरूप से होना ही चाहिए, जिससे मानसिक प्रदूषण नष्ट होगा, सामाजिक प्रदूषण नष्ट होगा और भगवान शिव अमंगल रूप धारण जो करते हैं मगर सभी का मंगल करते हैं, वो सब जगत का मंगल हो जाएगा। गुरु जी अगर हम कहीं ये बात बोले कि कुछ सालों में अभी जो कुछ साल ही बीते उनमें ये लोगों भक्तों में एक नई जागृति नहीं आई है पूजा को लेके या किसी भी चीज़ को लेके? ऐसा नहीं बोल सकते हैं कुछ सालों में, ये सनातन है, ये लाखों वर्ष से चल रहा है, मगर कुछ सालों में आप जो बोल रहे हैं उस प्रकार से लोग खुले आम खुलकर अभी कर रहे, पहले करते ही थे मगर उसकी एक सीमा थी, कुछ मात्रा थी, अभी सब लोग जन समुदाय जन सागर जैसा सैलाब बन करके शिव जी की भक्ति कर रहा है। सर गुरु जी लास्ट में सनातनियों के लिए क्या कहना है? सनातन ही नित्य है, सनातन ही अनंत है और सनातन ही निरंतर है। सनातन को छोड़ के किसी भी अन्य का विचार नहीं करना चाहिए, यही सनातन है। गुरु जी हमने सुना कि आप अयोध्या भी गए थे जी, उस वक्त क्या कुछ बताएंगे? अयोध्या हम जो गए थे वो तो हमारा सौभाग्य था, आप सब लोगों का आशीर्वाद था और हम ये बोलेंगे शिव राम जी का उपासना करते हैं और राम शिव जी की उपासना करते हैं। हम गए विगत 21 सालों से ये जो आराधना करते आ रहे हैं उसी का फल हमें मिला, माता पिताओं का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद ये मिला कि हमें राम जी की सेवा करने का अवसर मिला। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री।